आज की सभा तो हाटा में निरंतर करते रहना, लगभग मैं 20 वर्ष का था तब से मेरा काम है। नुक्कड़ सभा, बड़ी सभा, एक से बड़ी बड़ी सभा, हाटा की धरती पर सबसे बड़ी सभा जो हुई है वो भी मेरे नेतृत्व में हुई अब तक की हम लोगों ने सभा। आज यह सभा इस क्षेत्र की जनता को बहुत कुछ मेरे बारे में बताना नहीं है, लेकिन एक चुनाव की परंपरा है सभा करना, सबके दरवाजे जाना। मैं तो सर्वदा सभा करता रहा हूँ, सबके दरवाजे जाता रहा हूँ। आज कुछ बहुत विशेष नहीं है, लेकिन चुनाव के निमित्त यह परंपरा है, ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैंने सभा की। नेताजी, आप भारतीय जनता पार्टी का नेता रहे, 30 सालों तक झंडा रोने का काम किया, आपको टिकट नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? मुझे टिकट पिछली बार भी 2017 में भी मैं टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन एक कार्यकर्ता को मिल गया, मोहन जी को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ा मोड़ा 19-20 तो होता है, मनुष्य हूँ तो कैसे कह दूँ कि खुशी हुई, थोड़ी मोड़ी 19-20 हुआ होगा मन में, लेकिन एक दो दिन बाद नेता बड़े लोग आए और कहे रामबच्चन जी, यार उपेंद्र दत्त शुक्ला है, कहे नेता यार रामबच्चन जी तू बहुत बजरंगी हो पड़े और तू नाराज हो गए। कहे मैं कहाँ नाराज हूँ, मैं मोहन जी का प्रचार किया था, बनाया, कोई दिक्कत नहीं था। इस बार दिक्कत इस बात का है कि समाजवादी को टिकट दे दिया गया, किसी मेरे कार्यकर्ता को ऐसे बांप करके लाते और टिकट दे दिए होते तो मुझे, मैं उसी तन्मयता से उसका मेहनत करता, लेकिन समाजवादी को टिकट देना, भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे वाले रहनुमाओं को एक चेतावनी देनी है कि फिर ऐसी गलती हाटा की धरती पर मत करना। आप पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, योगी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और एक तरफ से पार्टी की बगावत कर रहे हैं। मैं पार्टी का बगावती नहीं, मैं पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ। मैंने 1979 में संघ ज्वाइन किया, 1984 में परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने मुझे राम जन्मभूमि का कार्य दिया। लगातार राम जन्मभूमि का आंदोलन बहुत दिनों तक करते हुए बीबीसी लंदन ने मेरा नाम बोला था आंदोलन शिला पूजन वाले कार्यक्रम में। मैं कभी बगावत नहीं करने वाला, आज भी नहीं बगावत किया, आज भी मैं बगावती नहीं हूँ। मैं लोगों को यह बताना चाहता हूँ, असली भाजपा नकली भाजपा की पहचान कर लीजिए, वो कमल भूल करके उस जगह पर चले गए हैं, मेरा तो केसरिया ध्वज है। आप हाटा की जनता के लिए बहुत संघर्ष किए और उसके उपरांत आपको बहुत सारे मुकदमे भी झेलने पड़े हैं, इसमें आप एक प्रत्याशी बनकर चल रहे हैं, तो हाटा की जनता आपको किस नजरिए देख रही है? हाटा की जनता हमको हाथों हाथ ली है, हाटा की जनता में कहीं एक नया पैसा किसी मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। हाटा का हर व्यक्ति राम बच्चन के बारे में उतना जानता है जितना मैं स्वयं जानता हूँ। हमने सारा काम, सारा प्रदर्शन, सब कुछ मैंने सड़क पर किया, लोगों के लिए किया है। हाटा की जनता, मैं निर्दल जिस दिन खड़ा हुआ, हजारों फोन और मैसेज आए कि राम बच्चन जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप यह मोर्चा संभालिए कि भ्रष्टाचार, टिकट बेचने वालों की दुकान बंद हो जाएगी, इसकी बधाई मुझे मिल रही है क्षेत्र में। लोग मेरे निर्दलीय प्रत्याशी होकर कितना टक्कर दे पाएंगे अन्य पार्टियों का? आज मैं हाटा में पहले दिन घूमा हूँ, मेरा मानना है कमल जो लोग कीचड़ में नहीं गाड़े हैं, कीचड़ में तो कमल ऐसे ही वर्तमान रहेगा, ये पहाड़ पर गाड़ दिए हैं जहाँ पानी का ठिकाने नहीं है। कमल बेचारा सूख रहा, लेकिन सूखने नहीं दूंगा, मैं राम बच्चन हूँ, अशोक सिंघल का शिष्य हूँ, कमल को सूखने नहीं दूंगा, कमल को अपने तालाब में लाऊंगा, प्यार से उसको रखूंगा अपने पास और अध्यक्ष की कुर्सी पर उसको लेकर के अपने साथ बैठूंगा, मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठूंगा उसी कमल के साथ। ये सारे कमल है, ये सब कमल है आपके सामने, बूथ अध्यक्ष, ये सारे सेक्टर प्रभारी, ये सारे कमल बूथ अध्यक्ष, ये सब कमल है, यही कमल है और ये कमल मेरे पास है। कई पार्टी के वोट बट तो नहीं रहे? हिंदू मतों का बंटवारा नहीं हो, इसका मैंने सर्वदा दायित्व का निर्वहन किया है। हाटा में सबसे पहली बार जब चेयरमैन का चुनाव हुआ था टाउन एरिया का, तो शिव प्रसाद जी नेता हमारे भाजपा के नेता थे, अच्छे नेता थे, लेकिन उनके पास वोट नहीं था, स्वभाव अलग अलग होता वोटर का, उनके पास वोट नहीं था, वो चुनाव लड़ने लगे, हम लोग बागेश दत्त त्रिपाठी को भी सिंधु परिषद से चुनाव लड़ाए, सबसे पहली बार मैं था, मरखेडिया थे और तमाम लोग थे, चुनाव हम लोग लड़ाए और बागेश दत्त त्रिपाठी को विजयी बनाए, हिंदू मतों का बंटवारा नहीं होने दिए। हाटा की धरती पर हिंदू मतों का बंटवारा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। हाटा नगर पालिका में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में आपका किस पार्टी से और किस प्रत्याशी से टक्कर है? अभी तो हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं ना, कोई नहीं है टक्कर। चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे हाटा की जनता से? अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह अनार है, अनार वाले मोहर पर लोग अपना चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगाएं, 4 तारीख को मुझे विजयी बनाएं। मैं हाटा में एक बार, मैं कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, मैं तमाम अवसर है, सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानते हैं, लोग कहते होंगे आपसे,
तमाम अवसर आए लेकिन मैं कभी राजनीति में पैर नहीं डाला। परिस्थिति आ गई 2017 में, अभी मैं मंच से बोला हूँ तब से मैं राजनीति में थोड़ा सक्रिय हुआ हूँ। नहीं तो मैं भाजपा का काम करता था लेकिन उद्देश्य मेरा राजनीति नहीं था, उनका सहयोग था। हाटा की जनता, मैं एक बार अपने आप को हाटा में एक राजनीतिक कुर्सी पर बैठ करके एक अपने जीवन का उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। जैसे मैंने विश्व हिंदू परिषद में और संघ में एक कार्यकर्ता के रूप में अपना उदाहरण पेश किया हूँ, पूरे भारतवर्ष में